जिस घर में सास बहू के बीच में सुमति रहती है, बाप बेटे के बीच में सुमति रहती है, घर के अंदर में संगठन रहता है, वहीं पर संपत्ति रहती है। जहां बाप के विचार अलग, बच्चे के विचार अलग, सास के विचार अलग और बहू के विचार अलग, उस घर के अंदर में कलयुग का निवास होता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। इसलिए विचार बदलो मत। अच्छा, सास नाराज हो जाए तो मनाने का कोई तरीका आपको मालूम है? हम थोड़ा सा टोटा टोनका भी जानते हैं, हम आपको बता देते हैं, बाद में मत आना पूछने के लिए। आपकी सास कितनी भी नाराज हो जाए, हम आपको आज एक अचूक नुस्खा बताते हैं। देखो, शाम को जब सास लेट जाए, ऐसे ऐसे जो अपना आंचल है ना, उसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 करके, और जब सास लेट जाए तो उसके पाँव में सात बार पाँव में ऐसे ऐसे रख करके सात बार ऐसे ऐसे करना, माँ जी मैं आपकी बेटी हूँ, गलती हो गई, आप खुश हो जाओ। सही, सास उठ के बैठ जाएगी, सिर पर हाथ रख देगी, कहेगी अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, चले। ये तरीका है। हाँ, इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जो बूढ़े बुजुर्ग घर में होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सब वो कर चुके, ना उन्हें कपड़े चाहिए, ना खाने को चाहिए, बस मान सम्मान दे दो। कढ़ी बनाना हो, पकौड़ी बनाना हो, कुछ भी बनाना बनाना हो, एक बार सास जी से पूछ जरूर लेना कि सास जी आज बना लें, तो कहेंगे हाँ बेटा बना लो। कोई अगर बिना बनाए बताए पूछे आपने बना ली, तो आपकी खटिया खड़ी होगी, फिर हमसे मत कहना आप। इसलिए थोड़ा पूछ करके बना लो, क्या हो जाए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कितनी सुंदर बात द्रौपदी ने कही कि जो दुख मुझे मिला है वैसा दुख इसकी माँ को ना मिले।